नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo Reno 5 Pro 5G वर्सेस Xiaomi Mi 10T Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Reno 5 Pro 5G में 6.29 इंच जबकि Mi 10T Pro में 6.5 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Reno 5 Pro 5G में 2.88 इंच जबकि Mi 10T Pro में 3.01 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Reno 5 Pro 5G में 0.3 इंच जबकि Mi 10T Pro में 0.37 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Reno 5 Pro 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Reno 5 Pro 5G में 173 ग्राम जबकि Mi 10T Pro में 218 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Reno 5 Pro 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Reno 5 Pro 5G में सुपर AMOLED जबकि Mi 10T Pro में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Reno 5 Pro 5G में 6.55 इंचेस जबकि Mi 10T Pro में 6.67 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Reno 5 Pro 5G में 88.61% जबकि Mi 10T Pro में 85.15% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Reno 5 Pro 5G में 402 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Mi 10T Pro में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Reno 5 Pro 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Mi 10T Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Reno 5 Pro 5G में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Mi 10T Pro की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Reno 5 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Mi 10T Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 10 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Reno 5 Pro 5G में Mali-G77MC9 जबकि Mi 10T Pro में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Reno 5 Pro 5G में MediaTek Dimensity 1000+ MT6889Z और Mi 10T Pro में Qualcomm Snapdragon 865 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Reno 5 Pro 5G में Android V11 जबकि Mi 10T Pro में Android V10 क्यूट देखने को मिलती है। बैटरी Reno 5 Pro 5G में 4350 mAh जबकि Mi 10T Pro में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Reno 5 Pro 5G में 2 कलर्स जबकि Mi 10T Pro में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
रेनो 5 प्रो 5G 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 32,490 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें मी 10T प्रो की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 34,930 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G में 4 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Mi 10T Pro की तो उसमें 6 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में रेनो 5 प्रो 5G आगे है, मेन कैमरा में Mi 10T Pro आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Mi 10T Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 8T है जो कि 38,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme X7 Pro है जो कि 26,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo V20 Pro है जो कि 29,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy S20 Fe है जो कि 37,990 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।